राज्यसभा के उपसभापति पद की दौड़ में एनडीए उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह ने यूपीए उम्मीदवार कांग्रेस सांसद बीके हरिप्रसाद को हराकर जीत हासिल की। चुनावों को लेकर क्या कुछ गहमागहमी सदन के अंदर रही, इस रिपोर्ट में देखिए। ड्यूरिंग द वोटिंग पीरियड द मेंबर कैन चेंज हिज और हर वोट एट एनी टाइम। राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव को आमतौर पर ज्यादा चर्चा नहीं मिलती, लेकिन इस बार राज्यसभा में अंकों के गणित और लोकसभा चुनाव करीब होने के नाते इसके लिए सियासी जंग काफी महत्वपूर्ण हो गई थी। इसके बहाने सरकार के पास अपनी ताकत दिखाने का मौका था, तो विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव के बाद मोदी सरकार के खिलाफ अपनी एकता दिखाने का। एनडीए ने जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा उपसभापति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस सांसद वीके हरिप्रसाद इस पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार थे। हरिवंश सिंह एक हिंदी दैनिक के संपादक रहे और 2014 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। दूसरी तरफ बीके हरिप्रसाद कांग्रेस से तीसरी बार सांसद हैं। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है, सभापति को अलग रखें तो ये संख्या 244 होती है। किसी भी कैंडिडेट को जीत के लिए 130 वोटों की जरूरत थी। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए मतदान हुआ। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश सिंह को इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। हरिवंश के पक्ष में कुल 125 वोट पड़े, तो वहीं बीके हरिप्रसाद के पक्ष में 105 वोट पड़े। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने जैसे ही हरिवंश नारायण सिंह की जीत का ऐलान किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सीट पर जाकर बधाई दी। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी उन्हें जीत पर बधाई दी और मिलकर जनता के मुद्दों पर साथ काम करने की अपील की। राज्यसभा में उपसभापति चुनाव के लिए दो बार वोटिंग हुई। पहली बार में हरिवंश को 115 तो दूसरी बार में 125 वोट मिले। पहली बार कुछ वोट ठीक तरीके से न हो पाने के कारण दोबारा वोटिंग हुई। ओडिशा की बीजेपी, तमिलनाडु की एआईएडीएमके, तेलंगाना से टीआरएस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपील पर एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश सिंह का साथ दिया। ऐसे में विपक्ष की उम्मीदों को करारा झटका लगा। एनडीए की ताकत राज्यसभा में जादुई आंकड़े से कम थी। इस चुनाव में बीजेडी के 9 सांसद किंग मेकर की भूमिका में रहे। राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक से फोन पर बात कर एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन मांगा था। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक से फोन पर बात करके समर्थन के लिए बात की। तब तक विपक्ष अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि एनडीए विपक्ष में सीट लगाने में कामयाब हुआ। आपको बता दें कि हालांकि सेवानिवृत्त हुए उपसभापति पीजे कुरियन का कार्यकाल पिछले महीने यानी जुलाई में समाप्त हो गया था। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में इस समय 244 सदस्य हैं, जबकि एक सीट खाली है। मौजूदा 244 सदस्य उच्च सदन में उपसभापति चुनाव को जीतने के लिए 123 मतों की जरूरत थी, जिसको बड़ी आसानी से एनडीए के उम्मीदवार ने हासिल कर लिया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। और आखिरकार राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव संपन्न हुआ और हरि बनाम हरि की लड़ाई में बाजी मारी हरिवंश नारायण सिंह ने। जीत के बाद उनको पीएम मोदी ने बधाई दी। और आखिरकार राज्यसभा उपसभापति के तौर पर जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह ने जीत दर्ज की। सदन में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, अगस्त क्रांति में बलिया की बड़ी भूमिका थी, हरिवंश भी उसी बलिया से आते हैं। पीएम ने कहा, हरिवंश सिंह कलम के धनी हैं, उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफी बढ़िया काम किया। आदरणीय सभापति जी, मैं सबसे पहले सदन की तरफ से और मेरी तरफ से नवनिर्वाचित उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे लिए खुशी की बात है कि स्वास्थ्य लाभ के बाद हमारे अरुण जी भी आज हम सबके बीच हैं। आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने भी नए उपसभापति हरिवंश सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा, हरिवंश जी का बतौर सांसद कार्यकाल काफी अच्छा रहा, हमें उम्मीद है कि उनके अनुभव का फायदा सदन को मिलेगा। जेटली ने कहा, उपसभापति को समर्थन भले ही सत्ता पक्ष का मिलता हो, लेकिन वो बैठता विपक्षी नेता के साथ ही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से इस सदन ने उनमें विश्वास प्रकट किया है
उपसभापति होने का। पिछले कई वर्षों से एक सांसद के रूप में हरिवंश जी को देखने का हम लोगों को अवसर मिला है। उनकी जो अपनी बैकग्राउंड रही है, लेखक रहे, संपादक रहे, बैंकर रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता रहे, उस सब का उपयोग करके वो जब भी सदन में बोले हैं तो पूर्ण तैयारी के साथ बोले हैं। उधर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी हरिवंश सिंह को बधाई दी। नव निर्वाचित डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंश जी को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, प्रपक्ष की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। लोकतंत्र में इलेक्शन होते हैं हर पद के लिए, लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं उन पर चुन के आने के बाद वो नेता, वो लीडर एक पार्टी का, एक पक्ष का नहीं होता, एक समुदाय का नहीं होता है, वो देश का होता है, हर पार्टी का होता है, हर समुदाय। सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को जीत पर बधाई दी। किसी तरह की कटुता ही नजर नहीं आई, कहीं ऐसा लगा नहीं कोई ऐसा हो रहा है, कोई खींचतान हो रही है, कुछ हो रहा है। इतना शालीनता के साथ चुनाव हुआ तो ये इसका भी असर था कि दोनों ही उम्मीदवार बहुत परिपक्व थे और संतुलित किस्म के। एक चीज में सिर्फ कहना चाहूँगा कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वहाँ अंपायर को यहाँ बहुत परेशानी होती है, वो सही बात भी है। और कई बार पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, मेंबरान को, कि ये मजबूरी होती है कि कुछ मामले उठाने पड़ते हैं। बहरहाल यूपीए के हरि बनाम एनडीए के हरि के बीच की टक्कर में एनडीए के हरि ने जीत दर्ज की। स्पेशल डेस्क टोटल। बढ़ते आगे, राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी एकजुटता दिखाई। सत्ता पक्ष जीता और विपक्ष हारा, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी एकजुटता दिखाई। विपक्ष के कुछ दलों को छोड़ दें तो सभी बड़े दल एकजुट नजर आए, वहीं सत्ता पक्ष के घटक दल भी तमाम विरोधों के बाद एकजुट दिखाई दिए। तो क्या 2019 में ये एकजुटता नए निजाम का रास्ता खोलेगी? रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा में नए उपसभापति के चुनाव के लिए जहां एक ओर सत्ता पक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाई, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की भी पूरी कोशिश नजर आई। हालांकि विपक्ष के कुछ दल असमंजस की स्थिति में नजर आए और चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार किया, लेकिन सवाल ये है कि राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष की एकजुटता कितना रंग दिखा पाए। सत्ता पक्ष के दल तो अपनी एकजुटता दिखाने में कामयाब रहे और नतीजतन जेडीयू के राज्यसभा सांसद और एनडीए के उपसभापति उम्मीदवार सदन के उपसभापति चुने गए, और यूपीए के उम्मीदवार और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बी के हरिप्रसाद हार गए। लेकिन क्या विपक्ष की एकजुटता दिखी? बिल्कुल दिखी। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र में विपक्षी दल के रूप में सदन में बैठे और राज्यों में एक दूसरे के परस्पर विरोधी दलों ने कांग्रेस के बी के हरिप्रसाद के पक्ष में वोट किया, चाहे वो टीएमसी और लेफ्ट हों या सपा और बसपा, एकजुटता नजर आई। राज्यसभा के उपसभापति के इस चुनाव को एकजुटता को मापने या 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर भी आंका जा रहा है। एनडीए गठबंधन की ओर से जेडीयू सांसद हरिवंश मैदान में थे, वहीं विपक्ष की ओर से बी के हरिप्रसाद उनके सामने थे। हरिवंश को 125 वोट मिले जबकि हरिप्रसाद के खाते में 105 वोट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। राज्यसभा सांसद पीजे कुरियन के उच्च सदन से रिटायर होने की वजह से ये पद इस साल जून से ही खाली था। कुरियन केरल से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सांसद बने थे। सत्ता पक्ष की मजबूती साफ नजर आई, लेकिन विपक्ष की मजबूती पर सभी की निगाहें बनी हुई थी, जिसमें काफी हद तक विपक्ष ने खुद को साबित भी किया। आम आदमी पार्टी पीडीपी समेत कुछ दलों ने भले खुद को चुनाव प्रक्रिया से अलग रखा, लेकिन बाकी विपक्ष की मजबूती साफ नजर आई, और यही मजबूती अगर 2019 तक रही तो आने वाले समय में सरकार के सामने एक मजबूत चुनौती और जनता के बीच एक और मजबूत विकल्प तैयार होगा।
सत्ता पक्ष समझ रहा है, चुनौती विपक्ष को और मजबूत होने के साथ साथ एकजुट होने की। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। राज्यसभा को नया उपसभापति मिल गया। प्रोफेसर पीजे कुरियन का कार्यकाल 1 जुलाई को खत्म होने के बाद आज इस पद के लिए वोटिंग हुई। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के नए उपसभापति चुने गए। आइए जानते हैं इस पद की चुनावी प्रक्रिया क्या है। राज्यसभा के नए उपसभापति का चुनाव हो गया। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के नए उपसभापति चुने गए। ये एक संवैधानिक पद है। भारत के संविधान के आर्टिकल 89 में कहा गया है कि राज्यसभा अपने एक सांसद को उपसभापति पद के लिए चुन सकता है जब ये पद खाली हो या पद से इस्तीफा दिया जा चुका हो। पद से हटाए जाने या इस पद पर आसीन राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद खाली हो जाता है। वर्तमान उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन का कार्यकाल 1 जुलाई को खत्म हो चुका था, जिस कारण ये पद खाली था। गरिमामय संवैधानिक पद। राज्यसभा का उपसभापति पद एक संवैधानिक पद है, एक महत्वपूर्ण पद। ये पद पूरी तरह से राज्यसभा के सांसद ही निर्वाचित करते हैं। उपसभापति को सभापति उपराष्ट्रपति के गैर मौजूदगी में राज्यसभा का संचालन करना होता है। इसके साथ ही तटस्थता के साथ उच्च सदन की कार्यवाही को भी सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। राज्यसभा के उपसभापति चुनने का नियम। राज्यसभा उपसभापति का चुनाव करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और सहज है। कोई भी राज्यसभा सांसद इस संवैधानिक पद के लिए अपने किसी साथी सांसद के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ा सकता है। इस प्रस्ताव पर किसी दूसरे सांसद का समर्थन भी जरूरी है। इसके साथ ही प्रस्ताव को आगे बढ़ाने वाले सदस्य को सांसद द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है, जिनका नाम वो प्रस्तावित कर रहा है। इसमें इस बात का उल्लेख रहता है कि निर्वाचित होने पर वो उपसभापति के रूप में सेवा करने के लिए तैयार है। प्रत्येक सांसद को केवल एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाने या उसके समर्थन की अनुमति होती है। अगर किसी प्रस्ताव में एक से ज्यादा सांसद का नाम है तो स्थिति में सदन का बहुमत तय करेगा कि कौन राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुना जाएगा। अगर सभी राजनीतिक दलों में किसी एक सांसद के नाम को लेकर आम सहमति बन जाती है तो स्थिति में सांसद को सर्वसम्मति से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया जाएगा। उपसभापति पद के लिए अब तक के चुनाव। राज्यसभा उपसभापति पद के लिए अब तक कुल 19 बार चुनाव हुए हैं। इनमें से 14 मौकों पर सर्वसम्मति से इस पद के लिए उम्मीदवार को चुना गया, मतलब चुनाव की नौबत नहीं आई। 1969 में पहली बार उपसभापति पद के लिए चुनाव हुआ था। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। राज्यसभा उपचुनावों के नतीजों ने नई बहस को छेड़ दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे अपने अपने नजरिए से जोड़कर देख रहे हैं। उपसभापति के चुनावों में एनडीए के उम्मीदवार की जीत और यूपीए के विपक्ष की हार के बाद तमाम नेताओं से बात की हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। राज्यसभा उपसभापति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह की जीत हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश शुक्ल साहब। जो जीत हुई है, अगर देखें विपक्ष की हार हुई है, एनडीए के लिए क्या सियासी फायदा? एनडीए हमेशा फायदे में रहा है। एनडीए को देश की जनता चाहती है, इस नाते यह जो चुनाव हुआ है उसे लगता है कि विपक्ष की जो एकता की बात करते थे वो खोखली हुई है और हरिवंश जी अच्छी तरह से सदन को चलाएं। लेकिन अगर देखें जो डिप्टी चेयरमैन की भूमिका होती है उसमें विपक्ष ये कह रहा था कि अगर विपक्ष की ओर से होता तो अच्छा होता, मैसेज अच्छा जाता। नहीं नहीं, विपक्ष की बात नहीं है, वो सीधी स्थिति है कि दूसरे दल का होता है और जनता दल यू के हैं, वो एनडीए के गठबंधन के हैं और हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, अच्छी प्रतिक्रिया देते रहे हैं। तो विपक्ष जो कहता है वो अपने हित के कहता है और हम पूरे सदन के हित की बात। आंकड़ों की बात करें राज्यसभा में वो कभी सरकार के पक्ष में नहीं रहा, ऐसे में जेडीयू की ओर से उम्मीदवार आपने बना दिया, ये जीत हासिल हुई है, तो 2019 से जोड़कर देखें तो क्या कहेंगे? 2019 में देश की जनता अपने मन में पुनः नरेंद्र मोदी जी को बिठा चुकी है, वही प्रधानमंत्री होंगे। और जाहिर सी बात है डिप्टी चेयरमैन का चुनाव हुआ है राज्यसभा में और जो जेडीयू सांसद थे हरिवंश नारायण सिंह, उनकी जीत हुई है, एनडीए उम्मीदवार थे, इसी के साथ विपक्ष की एकता भी यहाँ नहीं दिखी है। इसके बाद नई बहस छिड़ गई है। कैमरामैन विजय ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा, सुनिए।
सर अभिषेक मनु सिंघवी, सिंघवी जी आपके उम्मीदवार की हार हो गई है डिप्टी चेयरमैन के चुनाव में, क्या सियासी सर देखते हैं आप? बहुत अच्छा किया हमने, बहुत अच्छे कैंडिडेट को खड़ा किया, दोनों कैंडिडेट उत्तीर्ण थे, हमारी लड़ाई सिद्धांत की थी। आंकड़े उनके पास ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए था। बहुत हद तक व्यापक विपक्ष के गठबंधन का आपने सामूहिक रूप देखा है। कई ऐसी पार्टियां जो सत्तारूढ़ पक्ष के विरुद्ध हैं, सिर्फ इस मुद्दे पे उन्होंने वोट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो महागठबंधन किसी भी रूप से कम है, बहुत अच्छा है, और नहीं खड़ना कैंडिडेट खड़ा ये बिल्कुल गलत धारणा है। लेकिन विपक्ष की एकता बिखर गई है और बूस्टर डोज मिला है यहाँ पर सरकार को, अगर देखें आप तो ये जो सरकार के पक्ष में गया है रिजल्ट, उसके लिए तो एक अच्छा परिणाम रहेगा। मैं समझता हूँ कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है कि शालीनता, किस जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं अभी हाउस सदन में, किस अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है और दोनों उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं और बिल्कुल ये निराधार धारणा है। और जैसी बात है, विपक्ष का कैंडिडेट भले ही हार गया हो, लेकिन ये कांग्रेस कह रही है कि इसको उस नजरिए से न जोड़कर देखा जाए, बल्कि जो एक परंपरा रही है विपक्ष के डिप्टी चेयरमैन को चुनने की और जिस तरीके से चुनाव होता है उसी के तहत ये चुनाव हुआ है और सबने बधाई भी दी है। यहाँ पर सियासी इंपैक्ट से इनकार कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली। बीके जी, जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया अपना, उन्होंने आपके नाम का जिक्र किया, बीके जो हिंदी में बोला जाता है कि बिक गए, उसको कैसे कहेंगे आप? क्योंकि सारे व्यापारियों को मदद करने वाला राजनीति में खरीदना बिकने का बात करता है, प्रधानमंत्री का गरिमा के लिए ठीक नहीं है। वो प्रधानमंत्री का गरिमा नीचे ले आया और राज्यसभा का जो है गरिमा था उसको भी नीचे ले आया। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर आप संयुक्त उम्मीदवार थे, लेकिन हार हो गई, विपक्ष के खेमे में सेंध लग गई, एनडीए उम्मीदवार जीत गया, विपक्ष यूनाइटेड अपोजिशन हार नहीं हुआ है। मैं भले ही फ्लोर में डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए आ रहा हूं, मगर राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा खतरे के घंटी बज रहा है बीजेपी को। लेकिन एनडीए उम्मीदवार की जीत के बाद एनडीए बीजेपी दावा कर रही है कि 2019 से पहले उनके लिए अच्छा यहां पर मैसेज गया है। उसका पार्टनर्स जो है तेलुगु देशम, बाकी सबों का वो तो ठीक करने के लिए बोलिए तब पता चला, अगर सीक्रेट बैलेट होता ना उसको पता चल जाता। हार के लिए क्या वजह जिम्मेदार मानते हैं आप? हारा नहीं, हम राजनीतिक तौर पर हम जीते हैं। आप पार्टी ये शिकायत कर रही कि उससे वोट ही नहीं मांगा? आप पार्टी ने बीजेपी को भी वोट नहीं दिया ना। जाहिर सी बात है, तमाम बातों पर बात रख रहे हैं बीके हरिप्रसाद। डिप्टी चेयरमैन पद में भले ही उनकी हार हुई हो, लेकिन इस हार में भी अपनी जीत देख रहे हैं बीके हरिप्रसाद। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली। राज्यसभा उपसभापति चुनाव में आप पार्टी ने बहिष्कार किया है, संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, क्या वजह रही कि आपने वोटिंग नहीं की है और बहिष्कार किया है? कल ही हमने साफ कर दिया था, राष्ट्रपति के चुनाव में हमने 86 विधायक और 4 सांसदों का वोट कांग्रेस को बगैर मांगे दिया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में 86 विधायकों और 4 सांसदों का वोट बगैर मांगे दिया। हमने कहा अगर कांग्रेस अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय संयोजक से वोट मांगेंगे हम उनको वोट देंगे। जो पार्टी का नेता अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग सकता वो अपनी पार्टी को जिताएगा कैसे? लेकिन इससे विपक्षी एकता में सेंध लगी है और बीजेपी की राह आसान हो गई। देखिए, मुझे लगता है विपक्षी एकता में सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस पार्टी है, वो अभी भी अहंकार में जी रहे हैं, वो तंग दिली से राजनीति करते हैं। देश चलाने के लिए दिल बड़ा रखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, तीनों सांसद यहाँ मौजूद हैं पार्टी के, बहिष्कार किया, विरोध दर्ज कराया और ये कहा कि कांग्रेस ने वोट नहीं मांगा था, लिहाजा उन्होंने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।